उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही एससीओ समिट में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ग्रुप फोटो सेशन के बाद बैठक का किया रुख। एससीओ समिट के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। समरकंद समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। शाम 4:10 पर रूसी राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम। यूक्रेन के युद्ध रोकने को लेकर बातचीत संभव। उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात संभव। भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत करने पर होगी चर्चा। समरकंद पहुंचने पर पीएम का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। उनके सम्मान में कई खास कार्यक्रम का आयोजन। एसियो समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बातचीत पर सस्पेंस। अब तक कार्यक्रम तय नहीं, लेकिन फोटो सेशन में जिनपिंग पीएम मोदी के बगल में खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की समरकंद में मौजूदगी। पीएम मोदी से मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। एससीओ समिट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव और मध्य एशियाई देशों के बीच कारोबार को लेकर चर्चा संभव। समरकंद सम्मेलन के आखिर में भारत हासिल करेगा एससीओ की अध्यक्षता। साल भर के लिए मिलेगी जिम्मेदारी। समरकंद में एससीओ समिट से पहले दिन मिले व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। रूस चीन के रिश्तों पर विस्तार से बात। जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन बोले, मॉस्को और बीजिंग की विदेश नीति का तालमेल विदेश नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी। ताइवान के मुद्दे पर फिर रूस ने चीन का दिया साथ। एसियो समिट में पुतिन ने कहा, ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका का कदम उकसावे वाला। एसियो समिट के पहले दिन मेहमानों के स्वागत में जबरदस्त आतिशबाजी। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में खास आयोजन। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस को मिला ईरान का साथ। रूस विरोधी पाबंदियों को किया खारिज। अगले हफ्ते 80 सदस्यों के रूसी दल का ईरान दौरा। समरकंद में दिखी भारतीय कला संस्कृति की झलक। हिंदी गानों पर झूमते दिखाई दिए कलाकार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से ईडी की पूछताछ। तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली के आबकारी घोटाले में एक्शन में ईडी की टीम। देश में 40 जगहों पर छापेमारी। सिर्फ हैदराबाद में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने दिखाया स्टिंग ऑपरेशन। आरोपी नंबर 9 की तरफ से दी गई जानकारी का हवाला। मनीष सिसोदिया का स्टिंग ऑपरेशन का चैलेंज। बोले, सीबीआई जांच करे, 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार कर ले। आप विधायक हमालतुल्ला खान के एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेशी। वक्फ बोर्ड अस्थायी भर्ती मामले में होंगे सवाल जवाब। रामदेव ने कहा, पतंजलि के खिलाफ हो रही नई साजिश, हमारे खिलाफ पहले भी साजिश हुई। रामदेव ने कहा, कुछ लोग रुचि सोया के अधिग्रहण पर उठा रहे सवाल, मेरी तरक्की से परेशान है कुछ लोग। नेट रहा है आने वाले 5 सालों में 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ होगा पतंजलि का। अब इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या में, द्वेष में और अहंकार में कि ये गांव की भाषा में बोले, कल को छोड़ो, रामदेव से ना रीट पूछने को नहीं आओ, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ो कर दियो। ये लोगों को तकलीफ है। अब इसमें योग का विरोध करते हैं, आपने देखा होगा मजहबी तौर पर कितना विरोध किया लोगों ने दुनिया भर में। रामदेव ने किया दावा, आने वाले 5 साल में पतंजलि का 5,00,000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क होगा। रामदेव ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का किया दावा। कहा, पतंजलि ने 5,00,000 लोगों को दिया रोजगार। लखीमपुर खीरी डबल मर्डर मामले में योगी सरकार का सख्त आदेश। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। 1 महीने मिलेगी दोषियों को सजा। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। साथ ही पक्का मकान और खेती के लिए जमीन देने का फैसला। लखीमपुर खीरी डबल मर्डर मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। सभी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। परिवार दोनों बहनों का लखीमपुर खीरी में किया गया अंतिम संस्कार। परिजनों की सहमति के बाद उठाया गया कदम। लखीमपुर खीरी में आरोपियों के गांव में पहुंचा बुलडोजर। सामान समेटने के लिए मचाड़ कम। परिजन बोले, बुलडोजर से खौफ। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष का हमला। लखनऊ में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में लखीमपुर खीरी डबल मर्डर मामले में गुस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना और कैंडल मार्च। लखीमपुर में दरिंदगी के खिलाफ प्रयागराज में समाजवादी छात्र सभा ने जलाया यूपी सरकार का पुतला। सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी। दलित बहनों से अहवानियत और हत्या पर सियासत तेज। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा लखीमपुर खीरी और पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़े प्रदर्शन का ऐलान। राज्यभर के थानों का आज घेराव करेगी पार्टी। गुरुवार को बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल। टीएमसी विधायकों की तरफ से पलटवार। बीजेपी का आरोप, सुनार बांग्ला नहीं, अब लोग कह रहे हैं लाचार बांग्ला। बंगाल में हिंसा को लेकर सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम में राज्यसभा सांसद बृजलाल और राज्यवर्धन सिंह राठौर और सुनील जाखड़ शामिल।